शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के मजे लेने के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग लाइव स्ट्रीम पे डिबेट करने का विचार बना रहे हैं और इस चीज के लिए हमने आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प मांगी है और बहुत से बहनों और भाइयों ने हमारी इस मुहिम में हमारा सपोर्ट भी किया है। पर दुख की बात यह है कि बहुत से विश्वासी बहन और भाई इस काम में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर इस स्पीड से हम लोग चलते रहे तो शायद लाइव स्ट्रीम हम लोग 2025 तक ही शुरू कर पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम और लाइव डिबेट किया करें, आप नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हमारी सेवकाई और हमारी मुहिम का हिस्सा बने। साथ जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो भी हम रेफरेंसेस अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं वो हम अपने सोल्जर गॉड अपोलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पुराना चैनल बंद होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वहां से रेफरेंसेस उठाइए और टुनियों की बैंड बजाइए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही टॉप सीक्रेट बात का पता चला है जिसके द्वारा लोग भगवान बन सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को आपके सामने भी रखा जाए। पर समस्या ये है, क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि जितना भी हम टुन्नी धर्म की किताबों को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है किसी ने सस्ता नशा फूंक कर इन किताबों को लिखा है, जिसका ना ही कोई सर है ना ही कोई पैर है, पता नहीं क्या खा के लिखा है। तो ऐसे ही आज एक टॉप सीक्रेट को मैं आपके सामने रिवील करूंगा और देखते हैं हमें टुन्नी भाई इसका क्या जवाब देते हैं। तो समय को और ज्यादा बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत छोटी है, पर आज की वीडियो से आपको एक और नई जानकारी मिलेगी और आज की वीडियो से आप जान पाएंगे कि कैसे त्रिदेवों ने सामर्थ्य पाई थी। और इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे योनि तंत्रम का चौथा पटल। इससे पहले कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है जो महादेव ने गुप्त में पार्वती जी को बताई थी। भला हो हमारे टुन्नी भाइयों का, पता नहीं कैसे करके इन लोगों ने इस बात को अपनी किताबों में लिख लिया, वरना तो ये बात सीक्रेट थी। जो भी आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो सब इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। कन्फर्म करते हैं ये बात टॉप सीक्रेट है कि नहीं। तो यदि हम योनि तंत्रम चौथा पटल श्लोक संख्या 1-5 के बीच में पढ़ें, और मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, तो महादेव जी कहते हैं, इतना पद्धति अत्यंत गोपनीय होते हुए भी केवल मात्र तुम्हारे प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण ही मैं उसे प्रकाशित किया। देख लिया ना आप लोगों ने, ये टॉप सीक्रेट है, बस हमारे टुन्नी भाई चमत्कारी हैं जो उसे कैसे तैसे चुरा के ले आए। क्या है ये टॉप सीक्रेट, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो योनि तंत्रम चौथा पटल श्लोक संख्या 6-12 में बताया गया है, हे पार्वती, इस योनि पीठ पर देवी की पूजा करने से मैं शिवत्व लाभ प्राप्त किया। राधा की योनि पूजा करके कृष्ण ने कृष्णत्व प्राप्त किया। तो बोलो राधे राधे, श्री कृष्ण लीला नहीं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। सीता की योनि पूजा के प्रभाव से श्री राम ने रावण का समूल विनाश, पुनः रमणीक अयोध्या नगरी में लौटकर वास किया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मैंने तो सुना था श्री राम ने शिव की पूजा करके रावण का विनाश किया। हो सकता है जैसे लिंग का मतलब चिन्ह होता है, वैसे योनि का मतलब कुछ और होता होगा, मैं तो यही मानता हूँ। चल झूठा। इंद्र योनि का आश्रय लेकर महाविष्णु जगन्नाथ ने बेला भूमि से वाट मूल का सहारा लेकर अवस्थान किया। इन्हीं योनि शक्ति का आश्रय लेकर बालदेव ने भैरत्व लाभ लिया तथा लक्ष्मी ने अकुत के भय से सुदर्शन के मध्य अवस्थान किया था। रुद्र विष्णु ब्रह्मा महामान मुनिगण एवं ब्रह्म योनि के तत्व एवं महात्म के इस संसार में कौन जानने के सक्षम है? सुनिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। हे देवी, मदमा मत्स्य यानी मछली, मुद्रा मैथुन, इस 5 तत्वों के बिना समस्त साधना निष्फल है।
यहाँ पे महादेव जी बताते हैं कि योनि पूजा करके किस किस ने क्या क्या लाभ लिया। मांस मच्छी मदिरा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। तो बोलो राधे राधे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जो भी कुछ आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है वो इन्हीं लोगों ने लिखा है, इन्हीं लोगों की किताबों में से है। इसमें से हमने कुछ भी नहीं लिखा, ना ये किताबें हमारे घर में छपती। और जो भी कुछ लिखा है इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन इन टुन्नी भाइयों के पास होगा। तो मैं अपने प्यारे प्यारे टुन्नी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी घर में योनि की पूजा करते हैं? एक तरफ तो आप लोग कहते हैं मांस मच्छी खाना गलत बात है, दूसरी तरफ महादेव जी कहते हैं कि इसके बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे प्यारे टुन्नी भाइयों? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। लापरवाही का नतीजा है। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर कर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।